गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना के अंतर्गत SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ में बीमा बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बैंक में हम तीन प्रकार के खाता खोल सकते हैं, चालू खाता, बचत खाता और स्थायी जमा खाता। इस वीडियो में हम आपसे बचत खाता के बारे में बात कर रहे हैं। खाता कैसे खोला जाता है, इसकी खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य खाता खोलने की प्रक्रिया के समानी होती है। अल्प एवं मध्यम आय वर्ग वालों के लिए खाता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, छोटी छोटी बचतें जमा करके बैंक में जमा करवाता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या है उसे बच्चों वापस निकाल सकता है। इस खाते की मुख्य बातें इस प्रकार है। ये खाता कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, क्लब, कंपनी, सहकारी समिति आदि खोल सकते हैं। यह खाता व्यक्तिगत अथवा सामूहिक नामों से खोला जा सकता है। यह खाता 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति भी खोल सकते हैं। बचत खाता खोलने हेतु न्यूनतम ₹500 जमा करवाना आवश्यक होता है। खाते में चेकबुक सुविधा के लिए न्यूनतम क्या है, ₹1,000 शेष रखना आवश्यक है। बचत खाते में न्यूनतम 500 का शेष हमेशा बना रहना चाहिए। बचत खाते में बच्चों जमा राशि पर क्या है, निर्धारित वार्षिक दर से ब्याज अर्जित होता है। ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह के 10वें दिन व माह के अंतिम दिन की अवधि में खाते के न्यूनतम शेष पर होती है। ग्राहक के आवेदन पर बैंक अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा में ग्राहक के बचत खाते का स्थानांतरण कर सकती है। बैंक अपने श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित ग्राहकों को, जिनकी नियमित आय हो तथा जिनके खाते में व्यवहार अच्छे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे सकते हैं। बचत खाते से किसी भी प्रतिबंध के बिना राशि निकाली जा सकती है। निकासी या तो निकासी पर्ची या चेक के द्वारा होती है, या निकासी पर्ची के साथ क्या है, खातेदार को स्वयं को जाना होता है। बचत जमा खाते पर ग्राहक के बीमा प्रीमियम, क्लब सदस्यता शुल्क, स्कूल फीस, बिलों का भुगतान या किसी से राशि संग्रह करना स्थायी अनुदेश के अंतर्गत करता है। बैंक के स्वविवेक पर किसी बचत खाते में शेष जमा यदि ₹20 से कम होने पर उसे बंद कर दिया जा सकता है। खाता खोलने पर बैंक एक पासबुक देता है, जिसमें बैंक द्वारा खाते में जो व्यवहार हुए हैं उनकी प्रविष्टियां होती है। पासबुक में जमा खाते का क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, उसका नाम, पता, व्यवसाय आदि का विवरण होता है। चेक द्वारा रकम निकालने के अलावा निकासी पत्रों के साथ पासबुक आवश्यक रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए। रकम जमा कराते समय पासबुक प्रस्तुत करना क्या होता है बच्चों, अनिवार्य नहीं है, किंतु उसके पश्चात यथाशीघ्र पासबुक बैंक के पास भेजी जानी चाहिए ताकि उसमें प्रविष्टियां हो सके। किसी भी स्थिति में प्रतिवर्ष जून अथवा दिसंबर के प्रारंभ में ब्याज की प्रविष्टि के लिए पासबुक अवश्य भेजी जानी चाहिए। इसी प्रकार पासबुक में ऐसी प्रविष्टियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होता है जिन पर बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर न हो। जमाकर्ता को अपनी पासबुक सुरक्षित रखनी चाहिए। आजकल बच्चों पासबुक की एंट्री के लिए आप यदि देखते हैं तो बैंकों में पासबुक एंट्री की जो मशीन है वो भी लगी हुई है, तो आप स्वयं जाकर के भी क्या है वहाँ पर पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं। तो पासबुक की एंट्री आप जैसे पैसे जमा करवाएं या पैसे विड्रॉ करें, तो जब भी 4-5 एंट्री जब जितनी आपको याद रहे उतनी उसके अनुसार आपको एंट्री करा करके क्या उनको वापस चेक भी कर लेना चाहिए कि हमारा बैलेंस बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बैंक में आजकल अतिरिक्त सुविधाएं बहुत हो गई है, तो आपको स्वयं या तो जहाँ छोटी ब्रांचेज है वहाँ पर तो आपको पासबुक एंट्री के लिए बैंक में अंदर जाकर के बैंक में एंट्री करवानी पड़ती है, लेकिन जहाँ बैंक की बड़ी ब्रांच है वहाँ उन्होंने गेट पर ही पासबुक की एंट्री की जो मशीन है वो लगा रखी है, तो आप स्वयं भी उसमें क्या है एंट्री करवा सकते हैं।
तो आपको सबसे बड़ी बात जो बचत खाते में और चालू खाते में अंतर की बात आती है, तो चालू खाते पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि दिन में आप कितनी ही बार उसमें पैसा जमा करवा सकते हैं और क्या है पैसा निकाल सकते हैं, जबकि बचत खाते पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। छोटी छोटी जो बचतें हैं उनको आप नियमित रूप से उसमें जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद।